आज इस पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले मनुष्यों की कुल जनसंख्या यानी कि दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब है। सन 1927 में दुनिया की आबादी 2 अरब थी और 1960 में 3 अरब। सन 1974 में दुनिया की आबादी 3 अरब से बढ़कर 4 अरब हो गई और सन 1987 में 5 अरब। पिछले 100 सालों में दुनिया की आबादी में लगातार वृद्धि को महसूस किया गया। मगर सन 1960 और 1970 के दशक के दौरान सन 1963 में विश्व की जनसंख्या में 2.2% की वृद्धि हुई और इसका कारण था दुनिया भर में विकसित हो रही बीमारियों से बचने के अनेक तरीके। ऐसा ही एक तरीका था वैक्सीन यानी टीके। इस वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि आई। सन 1960 में संभावित जीवन प्रत्याशा लगभग 52 वर्ष थी और 1970 में लगभग 58 वर्ष। मगर पिछले 50 सालों में संभावित जीवन प्रत्याशा 52 वर्ष से बढ़कर लगभग 67 वर्ष हो गई। इसी कारण जनसंख्या भी तीव्रता से बढ़ने लगी और दुनिया में अनाज की मांग भी बढ़ गई। अनाज की मांग बढ़ने का मतलब है ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन। मगर ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है ज्यादा उपजाऊ जमीन की। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि आने की वजह से लोगों के रहने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जमीन चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जमीन के उपलब्ध ना होने की वजह से ये आवश्यक हो जाता है कि कम जमीन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया जाए। कृषि विज्ञान में अन्य विषयों की तुलना में काफी कम पल ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कृषि विज्ञान में शायद ही कोई ऐसा समय हो जिसमें अचानक कोई सफलता मिली हो या कोई बड़ा आविष्कार हुआ हो। यहाँ सिर्फ धीमी गति से सदियों पुराने मिट्टी को तैयार करने के तरीकों से लेकर उनमें बीज बोने तक और फिर लंबे समय बाद उपजाऊ बीज के लक्षणों को देखकर ही कोई निर्णय लिया जाता है। सन 1942 में मेक्सिको में कृषि उत्पादन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। मेक्सिको में गेहूं की पैदावार बहुत कम और स्थिर हो गई थी। वहां अनाज के अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मेक्सिको अपनी खपत से 50 गुना ज्यादा गेहूं को आयात कर रहा था। तब 1943 में मेक्सिको सरकार के कहने पर रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसका लक्ष्य मेक्सिको में अनाज के उत्पादन को बढ़ाना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाद में चलकर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुधार केंद्र जिसको हम CIMMYT यानी इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर के नाम से जानते हैं बना और गेहूं शोध का कार्यभार सौंपा गया डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉक को। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉक को हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर बोरलॉक को कृषि और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। Obviously, I am personally honored beyond all dreams by this election, but the obligations imposed by the honors are far greater than the honor itself. Norman Borlaug का जन्म सन 1914 में अमेरिका के आयोवा राज्य में साउदे के पास स्थित अपने माता-पिता के फार्म में हुआ। 7 साल की उम्र से ही बोरलॉग खेतों के काम में रुचि रखते थे। खेतों को जोतना, लकड़ी काटना और पशुओं को चारा डालने जैसे खेतों में होने वाले अनेक कार्यों को करने में बोरलॉग को काफी मजा आता था। अपने दादा के कहने पर बोरलॉग ने शिक्षा लेनी शुरू की। सन 1942 में उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय से
प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान में पीएचडी पूरी की। CIMMYT में गेहूं शोध का कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर बोरलॉग ने मेक्सिको में मौजूदा गेहूं की खामियों को पहचाना। मेक्सिको में गेहूं उत्पादन की सबसे बड़ी बाधा स्टेम और लीफ रस्ट डिजीजेस यानी तने और पत्ती का रतुआ रोग था, जो विभिन्न फफूंदियों यानी कि फंगस के कारण फैलते थे। इनके फलस्वरूप गेहूं की पैदावार काफी कम हो गई, इसलिए उन्होंने ऐसे नए किस्म के गेहूं पर काम करना शुरू कर दिया जो कि इन रोगों के प्रति रोगरोधी हो, यानी जिनमें फफूंद के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने की आनुवांशिक क्षमता हो। गेहूं की नई किस्म पर काम करने के लिए डॉक्टर बोरलॉग ने गेहूं के पौधों के बीच कृत्रिम परागकण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, क्योंकि गेहूं एक स्व परागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। इसे समझने के लिए हमें पहले गेहूं के पौधे को समझना होगा। मनुष्य की तरह गेहूं के फूल में भी नर और मादा अंग होते हैं। गेहूं के नर भाग मतलब कि पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के मादा भाग यानी ओवरी तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को स्व परागकण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्व निषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया से गेहूं के बीज का निर्माण होता है, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में एक प्रकार के पौधे से परागकण यानी पॉलन को लेकर दूसरे प्रकार के पौधे में डाला जाता है। नॉर्मन बोरलॉग दिन भर मेक्सिको की चिलचिलाती धूप में गेहूं के खेत में खड़े रहते। खेतों और सड़कों की मिट्टी उनके चेहरे पर चिपक जाती, मगर वो एक हाथ में सुई जैसे नोक वाली चिमटी से गेहूं के फूलों को पकड़कर उनका पुंकसत्व हरण करते यानी पॉलन ग्रेन को निकाल देते, और उन्हें गेहूं के किसी अन्य किस्म से परागित या पॉलिनेट करते। नॉर्मन चिमटी का प्रयोग करते हुए सावधानी से गेहूं के फूलों में से स्टेमन यानी कि उसके नर भाग को निकाल लेते, और ये ध्यान में रखते कि उसकी ओवरी यानी कि मादा अंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर वो उन फूलों के ऊपर के सिरे को एक कागज के लिफाफे से ढक देते, जिसे बैगिंग कहते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हवा या फिर अन्य किसी कारण से किसी भी प्रकार का अन्य पॉलन ग्रेन उस फूल तक न पहुंच सके। फिर अगले दिन लिफाफों को खोलकर वो उसे दूसरे किस्म के गेहूं से परागण करते, और सोचते शायद इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा नए किस्म का गेहूं पैदा हो जो कि दुनिया भर को भोजन प्राप्त कराने में सक्षम हो। एक पौधे पर काम करने के बाद वो दूसरे, तीसरे, चौथे इत्यादि पर काम करते। दिन भर कड़ी धूप में बिना अपने शरीर की चिंता किए नॉर्मन अपने काम में लगे रहते। इस कड़ी मेहनत के फलस्वरूप ही गेहूं की अधिक उपज देने वाली बौनी किस्मों का विकास हुआ। इन नई किस्मों में फफूंद के कारण होने वाले रोगों के प्रति रोगरोधी क्षमता थी, जो कि न केवल मेक्सिको बल्कि भारत, पाकिस्तान एवं अन्य देशों के लिए उपयोगी पाई गई। डॉक्टर बोरलॉग और उनके साथियों को जहां कहीं से भी कीटों और रोगों से लड़ने वाली क्षमता रखने वाले गेहूं के बीज मिलते, वो उन्हें इकट्ठा कर उनका संकरण करते। मगर उन्हें ये लगा कि अगर संपूर्ण राष्ट्र के लिए भरपूर गेहूं का उत्पादन करना है तो पुराने तरीके से उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें काफी समय लगता है। सन 1945 से पहले गेहूं के प्रजनक यानी कि ब्रीडर्स एक सीजन में सीमित मात्रा में ही संकरण कर पाते थे, क्योंकि पुराने तरीके में पहले गेहूं का संकरण करना पड़ता है, फिर नई किस्मों को उगाना पड़ता है। और आखिर में काफी समय बाद पौधे के उगने पर सही स्थिति का पता चलता है।
मगर मेक्सिको में भुखमरी की स्थिति पैदा बोरलॉग गेहूं की नई किस्मों का उत्पादन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कृषि उत्पादन में लगने वाले समय को कम करने के लिए नए तरीके खोजे। And I am not one to sit idly by and see man breed himself into a corner by increasing his numbers faster than food production is being increased. उनकी सबसे पहली खोज थी शटल ब्रीडिंग। बजाय इसके कि वो साल में एक बार फसल को उगाते, उन्होंने एक साल में दो अलग जगहों पर गेहूं की दो फसलों को उगाने की सोची। गर्मियों के दौरान उन्होंने हजारों बार मेक्सिको शहर से दूर चैपिंगो की ऊंची और खराब मिट्टी वाली जमीन में गेहूं के बीजों का संकरण किया, क्योंकि गर्मियों में भी चैपिंगो का मौसम इतना ठंडा रहता था कि वहां फसल को उगाया जा सकता था, और सर्दियों के दौरान 1920 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित सोनारा की ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में गेहूं के बीजों को लगाया और उनका चयन किया। इतना ही नहीं, दोनों क्षेत्रों के मौसम में बदलाव होने के कारण नॉर्मन ने चैपिंगो में हुई अच्छी फसल के बीजों को काटकर सोनारा की मिट्टी में उगाया और सोनारा की अच्छी फसल के बीजों को चैपिंगो की मिट्टी में उगाया। डॉक्टर बोरलॉग के फसल उगाने के इस नए तरीके ने कृषि विज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद डॉक्टर बोरलॉग ने हाई वॉल्यूम क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि ज्यादा मात्रा में गेहूं के पौधों के बीच संकरण करना शुरू किया। अभी तक एक मौसम में कुछ पौधों का संकरण कर फसल के उगने पर उसको काट कर सबसे अच्छी किस्म की फसलों के बीजों का संकरण अन्य किस्म के बीजों के साथ किया जाता था, मगर डॉक्टर बोरलॉग ने दुनिया भर से हजारों गेहूं के बीजों की किस्मों को इकट्ठा कर एक साथ उनका संकरण किया, इस आशा में कि इनसे उन्हें ऐसे बीजों के किस्मों की पैदावार मिलेगी जिनमें कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता होगी और वो मेक्सिको की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में भी उगाए जा सकेंगे। सन 1956 तक बोरलॉग और उनके साथियों ने मिलकर गेहूं की 40 नई किस्मों के बीजों को विकसित कर लिया था जिनमें कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता थी, जिसके कारण वे पुराने किस्मों के बीजों के तुलना में 3 गुना तक ज्यादा उपजाऊ थे। We searched for many years to find the particular parents with genes that would telescope or reduce the height of the plant, but wouldn't affect the number of grains per head that were set, or the size of the head, or the size of the grain. मगर अभी भी एक ऐसी समस्या थी जिसका ज्यादा पैदावार होने के लिए हल होना अति आवश्यक था। ये संकर प्रजाति के गेहूं के पौधे पूरी तरह उपजाऊ हो जाने पर अक्सर तेज हवा और बारिश में गिर जाया करते थे, क्योंकि इनका तना पतला और लंबा होता था जो अनाज के भारी वजन को सहन नहीं कर पाता था। इसकी वजह से काफी अनाज खराब हो जाता था। इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर बोरलॉग ने कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता रखने वाले गेहूं के बीजों की किस्मों को जापान के बौने किस्म के गेहूं नॉरिन 10 के साथ संकरण किया। उन्होंने पाया कि संकरण के परिणाम स्वरूप जो गेहूं की किस्म विकसित हुई वो बौनी, मजबूत तनों तथा अधिक पैदावार देने वाली किस्में थीं। डॉक्टर बोरलॉग के ये सेमी ड्वार्फ यानी अर्ध बौने पौधों में गेहूं की बालियां तो विशाल आकार की थी, लेकिन पौधा बौना और सख्त होने के कारण इन बालियों को संभालने में समर्थ था। इस कारण जमीन में प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार पारंपरिक किस्मों के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ गई। गेहूं की नई किस्म पिटिक 62 और पेंजामो 62 ने तो मैक्सिकन गेहूं के उपज क्षमता को तीव्रता से बढ़ा दिया। 1963 तक मेक्सिको का गेहूं उत्पादन सन 1944 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ गया था। सन 1943 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब इस दुनिया में हुई सबसे बड़ी और भयानक भुखमरी भारत में ही हुई और इसे नाम दिया गया बंगाल फेमिन यानी बंगाल का अकाल।
इस अकाल के दौरान ये पाया गया कि अकेले पूर्वी भारत में ही उस साल लगभग 40 लाख लोग भुखमरी के कारण मारे गए। तब कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार ने एक प्रणाली बनाई, जिसके तहत कई कृषि कार्यक्रमों का निर्माण किया। इन कार्यक्रमों का मकसद भारतीय कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। किसानों को समझाया गया कि किस तरह अच्छे उपजाऊ बीजों और बेहतर खेती के तरीकों को इस्तेमाल कर फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। किसानों को ये समझाया गया कि परंपरागत लंबी किस्में बालियों के वजन को सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए गिर जाती हैं, जिससे पैदावार कम हो जाती है। सन 1961-62 के दौरान विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रयोगशाला में एक नर्सरी में रखे गेहूं के बौने पौधे को देखा और पाया कि इसका तना मोटा और पौधा छोटा है, मगर अनाज के दाने बड़े हैं। तब सन 1962 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा संचालित इस उच्च उपजाऊ कार्यक्रम की सफलता के महत्व को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बोरलॉग को भारत आने का निमंत्रण भेजा। सन 1963 में जब बोरलॉग भारत आए, तो उन्होंने IARI के वैज्ञानिकों के साथ जयपुर, लुधियाना, पंतनगर और कानपुर स्थित गेहूं के केंद्रों का मुआयना किया और IARI के वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद डॉक्टर बोरलॉग ने मेक्सिको वापस जाकर 100 किलोग्राम बौना और 100 किलोग्राम अर्ध बौना किस्म के गेहूं के बीजों को भारत भेजा। अलग अलग केंद्रों के वैज्ञानिकों ने इन बीजों की किस्मों की जांच के बाद कुछ बीजों की किस्मों का चयन किया, जिनमें दो किस्म सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, कल्याण सोना और सोनालिका। कल्याण सोना और सोनालिका दोनों किस्में अधिक उपज देने वाली पाई गई। सन 1967-68 में इन दोनों किस्मों की उच्च औसत उपज 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ गई। And this creates tremendous enthusiasm from the farmer who is always, the peasant farmer who's always been accused of being conservative. He's not conservative. You show him a chance of making an improvement in his way of life, and if the difference between his former methods and the results that he gets with the new is great enough, he'll go ahead with it. धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 85 बौना किस्म के बीजों को विकसित किया गया। इनसे खाद्यान्न उत्पादन काफी बढ़ गया। इस नए बौना किस्म के गेहूं के बीजों से हुई क्रांति को हरित क्रांति का नाम दिया गया, जिसका प्रभाव सिर्फ मेक्सिको या भारत तक ही सीमित नहीं था, पूरे विश्व भर में इसके प्रभाव को महसूस किया गया। शायद इसीलिए दुनिया भर में हरित क्रांति का आगाज कर लाखों करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाकर जीवन दान देने वाले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का ये विश्व सदैव आभारी रहेगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का भी हरित क्रांति को सफल बनाने में काफी योगदान रहा है, क्योंकि आज के समय में बिना उर्वरक इस्तेमाल किए उच्च उत्पादक बीजों के किस्मों का सफलतापूर्वक उत्पादन नहीं किया जा सकता। सिंचाई के नए तरीकों ने भी हरित क्रांति को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है, क्योंकि सिंचाई के तरीकों ने वो जगह ही हमेशा के लिए बदल दी जहाँ फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हरित क्रांति से पहले सिर्फ उन्हीं जगहों पर फसल उगाई जा सकती थी जहां पर सही मात्रा में बारिश होती थी, मगर सिंचाई के नए तरीकों जैसे बांध बनाकर पानी को जमा करके रखना और सूखे इलाकों में जमा किए हुए पानी को छोड़ना, ऐसे तरीकों ने फसल उगाने के लिए ज्यादा खेतों का निर्माण कर दिया, जिसके कारण देश भर में फसल की पैदावार और ज्यादा बढ़ गई, मगर आज भी कभी कभी पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन नहीं हो पाता। बढ़ती आबादी और उपजाऊ जमीन का सीमित होना
और उर्वरक के ठीक तरीके से इस्तेमाल ना हो पाने के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए समाधान निकालना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।